फ्रेंड्स क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आ चुके हैं। यदि आप सिंपली गूगल पर क्वार्टर थ्री ही सर्च करेंगे तो रिजल्ट्स में ये सारे रिजल्ट्स आपको शो होते हुए दिखाई देंगे। माइंडट्री, एचडीएफसी बैंक एंड इन सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अभी हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, तो आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी में भी 18% की प्रॉफिट का जंप का यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर बना है, बरकरार। एंड एचसीएल टेक के रिजल्ट आ चुके हैं। एचसीएल टेक में भी यहाँ पर 5.4 रिकॉर्ड इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट बताया गया है। एंड यदि आप बात करें इन्फोसिस, TCS, विप्रो क्वार्टर थ्री रिजल्ट हाईलाइटेड। इन्फोसिस में आप देख सकते हैं PAT पेट में जंप है 7.2% क्वार्टर टू क्वार्टर। ओके, पेट का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट अभी हम बात करने चलते हैं HDFC बैंक के ऊपर। HDFC के रिजल्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे। उसके पहले यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो पहले आप चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। देन यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो अभी हम आ चुके हैं HDFC बैंक की न्यूज़ के ऊपर। HDFC बैंक के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आ चुके हैं। राइज हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट, 18% का प्रॉफिट राइज हुआ है, जिसकी यहाँ पे वैल्यू 10,342 करोड़ की निकल के आती है। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो टू, आप देख सकते हैं 18,444 करोड़, ये भी ग्रो किया गया है। एंड आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दिए हैं HDFC बैंक ने। एंड मार्केट के देखना पड़ेगा कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट को रिजल्ट्स कैसे लगते हैं वो आपको मंडे को पता चलेगा। बट उसके पहले यदि आप देख लीजिए ये सारे रिजल्ट, उसके पहले आप यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करते हुए जाना। ओके, एंड आज की ही जो डेट है 15 जनवरी की यहाँ पे डेट है। एंड 15 जनवरी लीडिंग प्राइवेट सेक्टर HDFC बैंक ही है। एंड मैं आपको बता दे रहा हूँ जो HDFC बैंक है वो इंडिया की टॉप 3 कंपनियों में से एक है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। यदि हम बात करें, फर्स्ट पे आपको पता होगा कि RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड सेकंड पे यहाँ पे TCS का नंबर आता है। बट यहाँ पे थर्ड पे HDFC बैंक को यहाँ पे जगह मिलती है। लार्ज कैप की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड इसको अगेन एंड अगेन प्रॉफिट हुआ है, बहुत अच्छे प्रॉफिट हैं क्वार्टर थ्री। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर थ्री में बहुत अच्छे प्रॉफिट हैं। मैंने आपको यहाँ पे पहले शो करा दिया 18% के प्रॉफिट के साथ इसने राइज किया है क्वार्टर थ्री में। एंड और भी यहाँ पे आप न्यूज़ है, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ न्यूज़। द प्रॉफिट इज करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट फिजियल वाज दी इतना था कितना 8,758.29 करोड़। एंड देन इस समय तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया 10,342 करोड़। तो अच्छा खासा यहाँ पे जंप है। एंड जो जंप यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया था 18% का जंप यहाँ पे, बहुत अच्छा जंप है। एंड रिजल्ट तो बेहतरीन है। बट अभी मंडे को चल के देखना पड़ेगा कि इसका मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट कैसे रहे हैं। एंड और भी जो रिजल्ट्स हैं मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो चुका है। एंड कई सारी आईटी कंपनियों के यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड आगे भी ये ग्रोथ यहाँ पे रैली ये चलने वाली है। एंड आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूम होने को दिख सकता है, ऐसा अभी से एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। एंड यदि HDFC की बात करें तो आप देख ही पा रहे होंगे कि रिजल्ट बेहतरीन है। मार्केट को पसंद आएंगे ना आएंगे वो अभी हम देखते हैं मंडे को चल के। बट अभी तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि HDFC के रिजल्ट बहुत बेहतरीन है एंड शेयर को यहाँ पे बूम होते हुए देखने को मिलेगा। HDFC के यहाँ पे बेसिकली 4 शेयर हैं। HDFC लाइफ, मैं आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ HDFC लाइफ, जिसका यहाँ पे रेट आपको 670 के अराउंड देखने को मिलेगा। सेकंड है आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक का यहाँ पे शेयर प्राइस 1500 के अराउंड ही देखने को मिलेगा। एंड थर्ड है HDFC AMC। HDFC 3000 के ऊपर होगा। एंड HDFC ओनली HDFC इसका 2400 के अराउंड होगा। तो ये 4 शेयर HDFC के हैं। एंड एक दूसरे की सब्सिडरीज है, HDFC की सारी सब्सिडरीज है। तो आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मंडे को। ओके, तो अभी हम मिलते हैं डायरेक्ट मंडे को। एंड जो भी रिजल्ट आएंगे आपको बता दिया जाएगा। उसके पहले आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना।